हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बाजू डिज़ाइन लेके आई हूँ जो कि काफ़ी ट्रेंड में है। एंड इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें फुल कपड़ा चाहिए होता है, जो नॉर्मल कपड़ा आता है उससे हम नहीं बना पाते हैं, तो हमें इसके लिए अलग से कपड़ा लेना होता है। जैसे 5 मीटर कपड़ा, उसमें आप सलवार सूट दोनों चीज़ें या फिर प्लाजो पैंट और सूट, आपकी जो कुर्ती है और इस तरीके की स्लीव्स है वो बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस तरीके से, जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग करते हैं उस तरीके से, मैंने स्लीव्स को 2 फोल्ड करते हुए इस तरीके से बिछा लिया। तो हमारे पास ये 4 पार्ट हमारे आ गए हैं स्लीव्स के। एंड इसके बाद इसकी जो लंबाई है वो मुझे काफ़ी लेनी है, तो यहाँ पे लंबाई जो इसकी ली है मैंने, वो मैंने ली है 22 इंचीज़, क्योंकि मुझे फुल स्लीव्स चाहिए। फाइनल लुक आप इसका आगे देख पाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैंने जो इसकी लंबाई ली है वो मैंने यहाँ से ली है, 21 इंची इसकी लंबाई ली है। और इसके बाद जो मैंने यहाँ पे निशान लगाया है उसके ऊपर का जो है वो मैंने ली है यहाँ पे 8 इंचीज़, क्योंकि एक्स्ट्रा लिया है मैंने यहाँ पे। और सिंपल स्लीव्स की कटिंग मैंने यहाँ पे की है, नीचे आप जो ड्रॉ देख सकते हो यहाँ से मैंने सिंपल कट किया है। एंड ऊपर की साइड मैंने ओनली 8 इंचीज़ इसको एक्स्ट्रा लिया है, उसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया। और नीचे की साइड में भी जितना आपकी मोहरी होती है, जितना आपको चाहिए फोल्ड में, उतना आपको 1 इंच उसके अंदर मार्जिन रखते हुए आपको ले लेना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो ये देख सकते हो आप, इस तरीके से मेरी ये सिंपल स्लीव्स की कटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से ये हो गई सिंपल। एंड इसके बाद जो फोल्डेड एरिया था उसको अगर ओपन करते हैं, तो उसके बाद जहाँ पे हमारा डिज़ाइन बनेगा वो है। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ कम कपड़े में भी शेयर किया है ये वाला डिज़ाइन, तो आप नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ से, इस तरीके से आपको, और जो हमने इसकी चौड़ाई रखी है ऊपर की वो मैंने रखी है यहाँ पे 2.5 इंचीज़। आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, अगर आपको और भी ज़्यादा घेर चाहिए इसके अंदर तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों जो हमारी स्लीव्स के पार्ट है वो आ जाएंगे इस तरीके से। सो इसके बाद इसको मैं आप लोगों को पूरा ओपन करके दिखाती हूँ। देख सकते हो आप, हमारे पास दोनों स्लीव्स हमारी रेडी हो गई है। एंड इस तरीके से मैंने इसकी कुछ कटिंग कर ली है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, हमें यहाँ पे ले लेना है अपना पार्ट जो हमने कट किया था वो वाला, और जो हमारी एक स्लीव है वो मैंने यहाँ पे ले ली है। और इस तरीके से मैं दोनों की आमने सामने इस तरीके से प्लेट डालूंगी, अगर आपकी ज़्यादा डले तो ज़्यादा, या फिर आप 4-5 प्लेट आपके आराम से आ जाती है। एंड इस तरीके से यहाँ से इतना हम प्लेट डालेंगे और इस तरीके से एक सीधी सिलाई लगाएंगे जो कि हमें 1.5 इंचीज़ के करीब लगानी है। होप सो गाइस आप लोगों को ये वीडियो समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से दोबारा से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से दोनों को मैंने आमने सामने रखते हुए इस तरीके से, और फिर मैंने यहाँ पे, तो इस तरीके से आमने सामने हमें ये प्लेट्स जो हैं वो डाल लेनी है। तो पहले हमें दोनों पार्ट्स पे इस तरीके से ये प्लेट डालनी है, उसके बाद जब हम जॉइंट करेंगे तो इजीली हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो हमारे आगे वाला मोहरी वाला पार्ट है उसको भी 1 से 1.5 इंच जितना भी आपको फोल्ड करना, बाकी सेम है सिलाई जैसे हम अपनी स्लीव्स की करते हैं सेम है। और बाकी ये आप देख सकते हो इस तरीके का कुछ इसका लुक आएगा, क्योंकि ये स्लीव्स ज़्यादा लेंथी की है ना, तो मतलब प्रॉपर चूड़ी टाइप में ये स्लीव्स आएंगी रेडी होके, तो इस वजह से दिखाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बाकी फाइनल लुक आप जब देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। एंड इसके बाद जो आगे वाली मोहरी वाला पार्ट था यहाँ पे भी मैंने इसको 1/2 इंच पे फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। एंड दोनों ही स्लीव्स आपको इसी तरीके से रेडी कर लेनी है। आप चाहें तो इसमें छोटी कर सकते हैं, आप बड़ी कर सकते हैं, आप चाहें तो पौन बाजू भी इसमें बना सकते हैं, बट मैंने फुल की है, तो उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो चैनल पर विजिट कर सकते हैं, चैनल पर भी आपको मिल जाएगी। और आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए, कैसा डिज़ाइन चाहिए, वो भी आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। सो ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसके आगे मोहरी वाला पार्ट है उसको भी मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है। एंड यहाँ पे जितना भी मेरा मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। आपका जितना भी आए आप उतना लेते हुए और इस तरीके से निशान ड्रॉ कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद आप इसको स्टिच कर लीजिएगा। इससे आपकी जो स्लीव्स की फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि जितना आपका है उतना ही अगर आप लेते हैं ना, तो आपको, और आपको इस तरीके से लेना है ताकि जब आप इसको डालें तो ना तो आपका हाथ भीजे, आप कंफर्टेबल फील करो उस तरीके से। तो यहाँ पर मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ, सीधी सिलाई लगाऊंगी मैं यहाँ पे, कुछ भी ज़्यादा मैंने नहीं करना है, और सीधी सिलाई लगा के मैं इसको कुर्ती के ऊपर स्टिच कर लूँगी। स्टिच करके मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से फिर दिखाती हूँ कि कैसी रेडी हुई है हमारी ये स्लीव्स। सो देख सकते हो आप, इस तरीके से मैंने यहाँ पे पूरी सिलाई लगा ली है, और हल्का सा मैं इसको सुलटा करते हुए भी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसा इसका लुक आ रहा है सुलटी करने के बाद में।
सो ये देख सकते हो आप, ये जो इसका उल्टा साइड है वो कुछ इस तरीके का लुक दे रहा है यहाँ पे, जैसे आप लोगों को दिख रहा है। एंड यहाँ पे ये कुछ इस तरीके की रेडी हुई है। ऐसे ही मैं दोनों स्लीव्स को रेडी कर लेती हूँ, रेडी करके फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। और इसका फुल लुक आप मेरी इंस्टा आईडी पे देख सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो और अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, ये जो है फुल लुक है स्लीव्स का, आप देख सकते हो। और इस तरीके की स्लीव्स हम रेडी कर सकते हैं जब हमारे पास फुल कपड़ा हो, तभी ये स्लीव्स हम रेडी कर सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा लुक देती है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कपड़ा जो था वो 5 मीटर के समथिंग था, जिसमें आप आराम से सलवार भी रेडी कर सकते हो और इस तरीके की फुल स्लीव्स भी आप रेडी कर सकते हो। ये जो स्लीव्स है वो काफ़ी ट्रेंड में है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको पूरा, जैसे मेरा माप था उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको स्टिच कर लिया है। और पूरा स्टिच होने के बाद इसका जो लुक है कुछ इस तरीके का आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड ये जो स्लीव्स है बहुत अच्छी लग रही है। होप सो आप लोगों को भी पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी वीडियोज़ आए तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। एंड नेक की भी मैं वीडियो डाल दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।